दोस्तों इंडिया गेट पे शहीदों के नाम कहाँ लिखे हुए हैं आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं और ये इधर की तरफ भी शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। और दोस्तों ये है पुरानी संसद के साथ में नई संसद भवन, ये है प्रधानमंत्री आवास। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज फिर से आया हूँ मैं इंडिया गेट पे। मैंने ना यहाँ का पहले भी वीडियो अपलोड करा था लेकिन किसी कारण से वो मुझे डिलीट करना पड़ा। ये देख सकते हो ये मेरे पीछे इंडिया गेट है और यहाँ पे ये रोड चल रहा है और इस रोड का नाम है कर्तव्य पथ। तो दोस्तों उधर जाने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ेगा इसके अंदर से। ये अंडरपास है, ये देख सकते हो भाई, ये पहले नहीं था, बाद में इसको बनाया गया है, ये बहुत सही कर दिया। तो यहाँ से चल रहे अंदर, वहां से आया हूं मैं और ये नीचे की तरफ जा रहा है। ये है यहाँ का दिल्ली का मैप, ये है संसद भवन और ये है नई संसद भवन, ये राष्ट्रपति भवन है और ये है प्रधानमंत्री आवास। थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों हम इधर पहुंच चुके हैं, देख सकते हो आप, ये यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा रश है। आज सैटरडे है ना, सैटरडे और संडे को रश रहता ही है। उधर था मैं वहाँ पे, तो उधर से इधर पहुँचा हूँ। ये इंडिया गेट है, इंडिया गेट पे बहुत सारे शहीदों के नाम लिखे हुए हैं, तो हम जाएंगे आगे की तरफ और शहीदों के नाम वगैरह आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हो भाई यहाँ का ये नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पे जो है ना, ये जो इंडिया गेट है, ये जैसे धूप बदलती है या मौसम बदलता है वैसे ये अपना कलर भी बदल देता है, मतलब देखने में थोड़ा अलग लगता है। जब मैं पहले आया था तो ये थोड़ा, अब ये लाइट ब्राउन लग रहा है और जब मैं पहले आया था ना तो ये डार्क लग रहा था। पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे साथ ना मेरा दोस्त था, मेरा कैमरामैन, लेकिन इस बार मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो पहले मैं आपको वो नाम दिखा देता हूँ जो इंडिया गेट पे नाम लिखे हुए हैं ना, चलो वो नाम देखते हैं। ये देख सकते हो, तो यहाँ पे अमर जवान ज्योति जला करती थी पहले, वो यहाँ से हटा दी है। और ये चैन लगी हुई है, इस चैन के अंदर जाना अलाउ नहीं है। ये देख सकते हो चारों तरफ इसकी चैन लगी हुई है, वो सिक्योरिटी वहाँ पर टाइट है। और ये इंडिया गेट के ऊपर यहाँ पे ना शहीदों के नाम लिखे हुए, कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों ये इस पर ना यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे इस पर शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। ये 1919 में जब अफगान युद्ध हुआ था उसमें जो इंडिया के जो हमारे जवान शहीद हुए थे, ये सब उनके नाम लिखे हुए हैं। बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं इसकी दीवारों पर। और इधर से अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इधर भी वैसे के वैसे ही नाम लिखे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी इधर की तरफ भी इसमें नाम लिखे हुए हैं और इधर की तरफ भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, ये देख सकते हो। और ये इंडिया गेट के ऊपर की तरफ वहाँ पे कबूतर बैठे हुए हैं, वहाँ ये जो ये जगह है ना, ये वाली जगह, ये जो लाइन है, इस लाइन के नीचे नीचे नाम लिखे हुए हैं, मतलब इनके बीच में इधर भी है उधर भी नाम लिखे हुए हैं। और ऐसे ही जो उधर की तरफ मैंने दिखाए थे ना आपको, उधर भी नाम लिखे हुए थे। तो अब इधर की तरफ चलते हैं और इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों 1919 में जब अफगान युद्ध हुआ था तो ये जवान जब शहीद हुए थे तो ये उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं इस पूरे इंडिया गेट पर, ये जैसा आप मैंने आपको दिखाया है। ये इसके ऊपर की तरफ इसका नाम लिखा हुआ है और इसके राइट में ये फव्वारा है एक, इधर ये देख सकते हो ये चालू है। और इसके इधर की तरफ भी एक फव्वारा है। जब मैं पिछली बार आया था ना तो यहाँ पर बहुत साफ सफाई थी, पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन अब देख सकते हो कितना गंदा पानी है। और ये इधर एक फव्वारा चल रहा है, उधर की तरफ वो बड़ा फव्वारा है। इसमें पहले बहुत बच्चे नहाते थे लेकिन अब इसमें नहाना अलाउड नहीं है, बच्चा कोई घुसता नहीं है। पहले बहुत बच्चे इसमें घुसते थे, मैंने भी कोशिश करी थी एक बार इसमें घुसने की, नहाने की, लेकिन मैं नहीं नहाया था। और इधर से कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये साइड से, ये देख सकते हो भाई साइड से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और ये यहाँ का चारों तरफ का इसका खूबसूरत नज़ारा है, ये देख सकते हो। उधर तो मैं जब भी आता हूँ ना उधर वाले फुहारे पर चला जाता हूँ, लेकिन इधर मैं कभी नहीं गया, तो आज मैं इधर भी जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ इधर। ये देख सकते हो ये इधर का भी जो है ना बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, बिल्कुल आप इसको उधर वाले के हिसाब से कॉपी पेस्ट कह सकते हो। पहले ये बंद पड़ा रहता था, कभी चलता था, अब ये चालू तो है लेकिन पानी बहुत गंदा है, इसमें अभी साफ़ सफाई की ज़रूरत है। पिछली बार जब मैं आया था जैसा मैंने आपको बताया है तो यहाँ पर साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब फिर धीरे धीरे ये पानी जो है ना गंदा हो गया, जैसा आप देख पा रहे होंगे पानी बहुत बहुत गंदा है। और ये आज सैटरडे है तो सैटरडे को यहाँ पे ज़्यादा रश रहता ही है, और संडे को, सैटरडे संडे ये दो दिन यहाँ पे ज़्यादा रश रहता है। दोस्तों अगर फैमिली के साथ दिल्ली में कुछ घूमने का है ना तो सबसे अच्छी अगर कोई जगह है तो वो ये इंडिया गेट है। तो अब मैंने इंडिया गेट और फव्वारा वगैरह आपको दिखाया है, अब हम उधर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस की उधर प्रतिमा लगी हुई है, ये प्रतिमा पहले यहाँ पर नहीं थी, ये अभी कुछ साल पहले यहाँ पर लगाई गई है, करीब 2 साल पहले। तो चलते हैं उधर की तरफ, अब मैं आपको वो प्रतिमा दिखाने वाला हूँ जो सामने वो प्रतिमा है। दोस्तों वो है मेरे पीछे की तरफ इंडिया गेट और ये सामने की तरफ है, ये है सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा। ये प्रतिमा पहले यहाँ पर नहीं थी, बाद में ये प्रतिमा लगाई गई है।
और यहाँ पे जाने के लिए ये रास्ता है, लेकिन ये जो रास्ता है ना यहाँ से बंद कर रखा है जैसा आप देख पा रहे होंगे, तो आगे नहीं जा सकते। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये छतरी तो पहले थी लेकिन ये प्रतिमा नहीं थी, ये बाद में यहाँ पे लगाई गई है करीब 2 साल पहले। तो दोस्तों इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म, फिर किसी दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।